आज हम सीखेंगे चार्जिंग और प्रोग्रामिंग करना क्रिस्टल्स को कैसे करते हैं। हमने क्लिंजिंग प्रोसेस करा, वेरियस वेज ऑफ क्लिंजिंग के सीखे। आज हम चार्ज करना, हीलिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, क्रिस्टल्स से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल्स भी हमने स्टडी करे, कुछ बेनिफिट्स और भी हम आपको पीडीएफ भेजेंगे जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि क्रिस्टल्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स उनसे होते हैं। आज हम समझेंगे चार्ज और प्रोग्राम कैसे करते हैं, कोई इंटेंशन फुलफिल कैसे होगी, मैनिफेस्टेशन कैसे होगी और कैसे रिजल्ट्स आएंगे, उसको आज हम समझेंगे। ये एक जनरली हीलिंग पेयर है, ये वाइट क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्स और ये पिंक क्रिस्टल रोज क्वार्ट्स, इनको हम जनरली यूज करते हैं हीलिंग के लिए और इसको हीलिंग पेयर बोला जाता है। इसको शिवा बोला जाता है, पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। इसको शक्ति नहीं बोला जाता है और नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होना इक्वल, मेल एंड फेमिनिन एनर्जी बॉडी में इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी करंट तब चलता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव करंट दोनों हो। एनर्जी नेगेटिव मीन्स ऐसा नहीं कि वो हमें नहीं चाहिए, एनर्जी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो भी कंजेशन हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अगर कम हो जाएगी तो भी डिप्रेशन हो जाएगी। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जो कि हम इन दोनों के पैर से स्थापित करते हैं। इसको हमेशा राइट साइड रखते हैं, इसको हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। जब बॉडी के बाहर रखेंगे तो दोनों पॉइंट्स बाहर की तरफ रखेंगे, जब बॉडी के अंदर रखेंगे तो दोनों पॉइंट्स अंदर की तरफ रखेंगे, या आइदर हम एक अंदर एक बाहर या एक अंदर एक बाहर, इस तरीके से भी एस पर नीड रखते हैं। जब हम बॉडी के ऊपर रखते हैं तो इसको हमेशा सर के ऊपर रखते हैं, व्हाइट वाले को, शिवा को और शक्तिनी को हमेशा अपने पैरों के बीच में कुंडलिनी पावर के नीचे रखते हैं। नीचे की तरफ पॉइंट्स रखते हैं तो दोनों नीचे की तरफ रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं तो दोनों ऊपर की तरफ रखते हैं। नीचे हम एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, चक्रास को बैलेंस करने के लिए रखते हैं, ऊपर हम कुंडलिनी जागृति करने के लिए रखते हैं। तो दोनों ही पोजिशंस हम यूज कर सकते हैं। इसको चार्ज कैसे करते हैं, डिफरेंट वेज, उसमें सबसे अच्छा वेज है विजुलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम आगे सीखेंगे। थैंक यू।